अब हम करेंगे क्वेश्चन 12। अब क्वेश्चन 12 में हमारे पास क्या है, फाइंड द सम ऑफ अ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है उन 40 इंटीजर्स का। मतलब 40 इंटीजर मतलब 40 ऐसी वैल्यूज हैं जो किससे डिविजिबल है, 60 से। तो हम पहले तो हम देखेंगे कि सोल्यूशन में हमारे पास क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है। गिवन क्या है, एन की वैल्यू, क्योंकि एन क्या है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि 40 ऐसे नंबर लेने हैं तो एन की वैल्यू। और निकालना क्या, एस 40, ठीक है, एस 40 निकालना। तो उसमें मैं देखूँगा तो मेरे पास पहला पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा है जो 6 से डिवाइड होता है। पहले तो मैं देखना कि पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1, 2, 3, 0 ये सारे चल सकते हैं, ठीक है, और नेगेटिव में नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास पॉजिटिव होता है। अब ठीक है, अब मेरे पास सोचना कि 6 से ऐसा कौन सा इंटीजर है जो डिवाइड होता है। पहला इंटीजर जो 6 से डिवाइड होता है 6, उससे अगला 12, फिर आएगा 18, फिर आएगा 24, फिर आएगा 30, ऐसे ऐसे करते करते एक तरह 6 का टेबल चलेगा क्योंकि सारे क्या हैं 6 के मल्टीपल, और हमने वही लिखना था 6 के डिविजिबल। मतलब ये तो 6 के मल्टीपल है, मतलब 6 का टेबल है, बट क्या है 6 से डिवाइड भी हो रहे हैं। हाँ, अगर 6 का मल्टीपल है तो 6 से डिवाइड तो होंगे। ये भी देखो ना, अगर मैं कहूँ 2 × 6 है, 6 × 2 से क्या है 12, क्या 12 6 से डिविजिबल है। हाँ, अगर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे डिवाइड भी होगा, ठीक है। तो डॉट 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 कहाँ तक जाना है, कहीं तक भी जा सकता हूँ ना। मुझे ये बताया 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, बस मुझे ये बताया कि ये 6 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो ऐसे मैं तो 1 लाख, 2 लाख, 6 लाख तक भी जा सकता हूँ, 6 करोड़, 6,000 करोड़, कहीं तक भी जा सकता हूँ। तो अभी मुझे लास्ट के टाइम तो नहीं पता, ठीक है, तो मैं अभी इतनी लिख दूंगा क्योंकि 4-5 वैल्यू। अब मैं चेक करूँगा इन सबका क्या डिफरेंस सेम है, 12 - 6, 18 - 6, 24, इन सबको चेक करना आप, आपको खुद भी दिखेगा क्योंकि 6 का टेबल और डिफरेंस भी कितना है 6 ही। और फर्स्ट टर्म कितनी है जो उससे डिवाइड है, फर्स्ट टर्म है 6 और डिफरेंस भी है 6, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना है, एस 40, तो एस 40 फाइंड करना है। अब मेरे पास एस एन का फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2, क्या होता है मेरे पास इन ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मैं इसमें लगाने की कोशिश करूँगा, एन कितना है 40, और एन यहाँ पर भी दे रखा था, तो 40/2, 2a, a मतलब कि 2 × 6, एन माइनस 1, एन माइनस 1 मतलब 40 - 1, 39 इंटू में डी कितना था मेरे पास 6, तो ये आ गया 6 × 2 = 12, 39 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9 × 6 = 54, 5 × 6 = 18, और यहाँ पर आएगा 2 = 34, और ये कैंसिल आउट कर रहा था 20, ठीक है, ये मेरे पास चल रहा था। अब मैं ऐड करूँगा 4 × 2 = 6, 4 + 2, और यहाँ पर आएगा 20। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 12, 1, 4 × 2 = 8, 9, 2 × 4, ये मेरे पास आया इससे मल्टीप्लाई करके 0 पीछे, एस 40 की वैल्यू आई है ये, ठीक है। क्या है मेरे पास एस 40 की वैल्यू, 4920, मतलब कि 40, अगर मैं पहले 40 एज ए पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ूं जो 6 से डिविजिबल है, उनका सम कितना आएगा पहले 40 का, 4920। अब यहाँ से मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन 13, अब हम करेंगे क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में क्या है, फाइंड सम ऑफ अ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमने क्या फाइंड करना है, पहले 15 मतलब 1, 2, 3, 4, 15 वैल्यूज का सम जो क्या हुआ, वैल्यूज 8 के मल्टीपल हो जा रहे। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था 6 के मल्टीपल, इसमें क्या है 6 के मल्टीपल या 6 के डिविजिबल, एक ही बात होती है कि कोई चीज़ 6 से कब डिवाइड हो रही है, या तो उसका मल्टीपल आई हो रहा हो तभी 6 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है, तो ये भी ऐसी है। तो एन पता मेरे पास 15, और फाइंड क्या करना है एस 15 अगर देखा जाए, ठीक है। अब मेरे पास ए पी बना सकता हूँ मैं, तो मेरे पास पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 का मल्टीपल है, मतलब एग्जैक्टली या तो 8 से डिवाइड होता है या उससे मल्टीप्लाई हो रहा है एग्जैक्ट, तो 8 ही खुद, ठीक है ना, पिछले में 6 था क्योंकि 6 से डिविजिबल हो रहा था, 4 हो नहीं सकता, 4 8 का एग्जैक्टली नहीं है, तो अगला क्या आएगा 16, फिर क्या आएगा 24, फिर आएगा 8 × 16 = 24, और 8 × 4 = 32, ऐसे करते 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 8 का टेबल ही चलेगा। तो उसमें मेरे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, डॉट 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 लगा सकते हो। लास्ट तक कहाँ तक जाना है पता ही नहीं क्योंकि हमारे पास ये नहीं बताया 3rd डिजिट है, 4th डिजिट है, जितनी बड़ी डिजिट तक जा सकते हैं हम तो ऐसे, तो लास्ट तक हम ऐसे डॉट डॉट लगाएंगे। तो यहाँ से ए कितना है 8,
और डी कितना है? 16 माइनस है, 24 माइनस ये सबका डिफरेंस कितना है हमारे पास? 8। डी भी 8 है क्योंकि 8 का टेबल ही चल रहा था लगभग, तो ये 8 आ गया। मुझे क्या फाइंड करना है? S15। तो वही फॉर्मूला लिखूंगा, S15 मतलब कि 15 अपॉन 2, ये था 10 अपॉन 2, 2 टाइम्स ऑफ ए कितना है 8, एन माइनस वन मतलब 15 माइनस वन, 15 में से 1 लास 14, और डी कितना था 8। ठीक है, तो 8 2 16 और 15/2 बार चल रहा था, और हमें 14 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 8 से, तो मेरे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी? जो इन दोनों को ऐड, फिर इनको ऐड करेंगे। अब मेरे पास क्या है? 14 × 8 ये आएगा 1 1 2, 14 8 12, अब 6 और 2 8, और यहाँ पर आएगा 128, और यहाँ था 15। अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 6 2 4 जा, अब क्या 64 को 15 से मल्टीप्लाई करो, क्या मेरे पास आंसर आ जाएगा? हाँ, 960। ये क्या है मेरे पास? S15 की वैल्यू। ठीक है, कहने का मतलब ये है, पहली ऐसी 15 टर्म्स का अगर हम ऐड करें, और वो टर्म्स कौन सी होनी चाहिए? सारे 8 के मल्टीपल्स, तो मेरे पास आएगा 960। तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन 13 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इसी का ही क्वेश्चन नंबर 14th। अब क्वेश्चन 14th क्या है हमारे पास? फाइंड सम ऑफ द ओड नंबर्स, ओड नंबर है बिटवीन 0 टू 50। अब हमारे पास रेंज दी हुई है कि 0 से 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर आएंगे उनका क्या फाइंड करना है? सम। तो पहला ऐसा अगर हम सीरीज बनाने चले, अब क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट है और ये क्वेश्चन बड़े ईजी हैं, तो क्या देखेंगे? 0 ओड नंबर है? नहीं, 0 से और 50 के बीच में वो ओड नंबर लेने हैं। ठीक है, तो पहला ओड नंबर क्या लेंगे? 1। 1 क्या है ओड नंबर? अगला ओड 3, फिर क्या आएगा? 7, फिर 9, फिर आगे जाते रहेंगे। क्या 50 ओड है? नहीं, 51 है, उससे आगे जाएंगे 51 पे? नहीं, क्योंकि 50 और उसके बीच में रहना 0 से 50, तो उससे छोटा देखेंगे 49, हाँ वो ओड है। ठीक है, तो लास्ट वैल्यू आपके पास 49 जो ओड है, सिर्फ ओड ओड, और फर्स्ट वैल्यू है 1 जो ओड है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आई? 1, या लास्ट वैल्यू, या फिर ए एन कितना आया आपके पास? और मैं लिखता हूँ हमेशा 49, ये इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इन दोनों में से एक की वैल्यू आई है, मतलब दोनों की वैल्यू एक ही बात है दोनों का मतलब। और क्या दिया हुआ है अगर आप देखना चाहो? एक 7 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि 7 भी था ना। डिफरेंस देखना है सबका, 3 माइनस 1 5 माइनस 3, 7 माइनस 5 9 माइनस, ये और इससे भी एक प्रिसीडिंग अगर माइनस करेंगे तो सबका डिफरेंस ही 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2। तो डिफरेंस भी सबके 2 ही आ रहा है। ठीक है, ए पी है ये, और ए भी है, और लास्ट टर्म भी है, तो मुझे क्या निकालना है? सम निकालना है। मतलब कि अगर मैं यहाँ से पहले अगर मैं कहूँ तो मेरे यहाँ से एन की वैल्यू निकालूंगा, एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए एन से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू पता है 49, ए की पता है 1, और एन माइनस वन, एन की तो निकालनी है अभी फिलहाल, 2। 1 इधर गया, कितना आ गया? 48 माइनस करके एन माइनस वन, अब 2 था इसके नीचे गया, क्या गया? 24। तो 24 एन माइनस वन, 1 उधर गया प्लस को हो गया 25, एन की वैल्यू आ गई 25। अब एन की वैल्यू 25 आई है, तो अब मुझे क्या निकालना था? सम, मतलब कि S25। अब पता लगा मुझे एस एन की वैल्यू N25 है, तो फॉर्मूला वही होता है, N/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपके पास चॉइस है, या तो आप ये लगाओ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्यों? क्योंकि उसमें आपके पास पहले से दिया लास्ट टर्म, तो क्या ये मैं ये वाला लगाऊंगा? एन कितना था? 25/2, फर्स्ट टर्म कितनी थी? 1, लास्ट टर्म कितनी थी? 49, 49 + 1 50, 25/2, 1 जा 25, 2 जा 50, तो 25 × 25 कितना आ जाएगा मेरे पास? 625, 625 S25 की वैल्यू है। मतलब कि पहली 25 ऐसी ओड टर्म्स, या पहली 25 ऐसी ओड टर्म्स जिनका अगर हम सम करें तो हमारे पास आएगा 625। तो इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन 14th भी कंप्लीट हो चुका है।